ऐसा है, ये तो क्या बकरी को हर कोई बलिदान कर देता है, शेर के पास जावे तो पता लगे, दो जने बकरी को तो हर कोई हलाल कर देता है, शेर के पास आवे तो पता पड़े, ये तो क्या इन्होंने बकरी को देख के ना हर वो हाउल्ला मचा दिया, शेर के पास आओ तो पता पड़े कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे मिलता है। जवाब देने में कोई पीछे नहीं है, हिंदू कोई पीछे नहीं है और हिंदू संगठन कोई पीछे नहीं है। बाला साहब ने आज से बहुत साल पहले भी कह रखा था कि हज पे जाना हो तो बॉम्बे से होके निकलो, ध्यान रख लो, अभी भी सुन लो कि हज पे जाना हो तो बॉम्बे से ही निकलोगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हज की यात्रा भी बंद हो जाए तुम्हारी। हमारी तो यात्रा चलती रहेगी पर हज यात्रा भी बंद नहीं हो जाए, ये बाला साहब ने कहा था। हम लोग चाहते हो हटे, भाईचारा भाईचारा अब नहीं चलेगा, सीधा जवाब मिलेगा। इसलिए मैं सभी हिंदू संगठनों से और हिंदू भाई बहनों से ये आदरणीय गुजारिश करता हूँ कि दबके किसी से नहीं रहना। अगर वो तो क्या था कि गलियारे में और अपने एरिया में कुत्ता भी शेर हो जाता है तो अपना एरिया था और कुत्ते भी थे 50 से थे, अगर अकेला व्यक्ति क्या करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको और ना भविष्य में फर्क पड़ेगा। ये तो क्या दो धोखे से पीठ पे मारना, तो मैं तो चलते रास्ते को भी मार दें, सामने पीछे वार करते हैं क्या, पीठ पीछे तो वार किया, ये देखो आप वीडियो उठा के, ये पीठ पीछे वार हुआ है, सामने से वार करता तो शायद वो भी उसका जवाब देता। इसलिए आतंकवादी बना के ना आतंकवादी कुछ नहीं है, दाढ़ी हर कोई बना लेता, अब ये सब कर लेता, अपन कोई की ताकत नहीं है। हिंदू को कमजोर मत करो, समझो हम तुम्हें सबको जवाब देंगे, चिंता मत करो। अब सब हिंदू जाग रहा है, अभी भी होश में आ जाओ और संभल जाओ, हिंदुस्तान में रहना हो तो बंदे मातरम कहना होगा। बाबा जी कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सल्तन से जुदा सल्तन से जुदा। ये तो क्या है कि इसको जो बोला जाता है नहीं, ये तो इनके कहते हैं कि सजा सजा क्या होती है, पाकिस्तान में और ये बॉर्डर पे इन लोगों ने करी थी, क्या हुआ उसका आतंकवादी का, क्या हुआ उसको पाकिस्तान में तो उठा के ले जाके कहा उनका दरगाह भी नसीब हो, कब्र भी नसीब नहीं हुई है, कब्र भी नसीब नहीं हुई है, मच्छियों को भोग लगा हुआ उसका, अमेरिका उठा के तोक के लगे तुरंत, क्या नहीं ले गए ये मालूम है कि नहीं जनता को और उन लोगों को मालूम है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत के जो है रक्षा कर्म और ये जो जितने भी हमारे संरक्षक हैं वो ऐसा नहीं हो कि इन लोगों को वापस जाके पाकिस्तान से सबको उठा के इंग्लैंड की तरह सब इंग्लैंड वाला जो उठा के लगे नहीं उसको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, जय भारत जय हिंद। कहते हैं जो भी मतलब इस्लाम के खिलाफ सवाल उठाएगा उसका यही खामियाजा होगा। अरे हमारे यहाँ वो तो जवाब देते हैं, हमारे यहाँ हर बलि लगती है कालका को और चंडी को, जिस दिन हमारी चंडी जाग गई तो बलिदान सबके सर कलम होता है, हमारी चंडी जागने दो, कालका जाग गई और चंडी का जाग गई तो फिर कोई नहीं बचेगा संसार में। यहाँ तो क्या भारत के किसी भी कोने में जो घुसा होगा वो निकाल के ले आएगी। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है इस समय अभी हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को हर जन्म दबा दिया जाता है, नेतागिरी राजनीति में दबा दिया, भाईचारा बना लो, भाईचारा क्या बना लो, भाईचारे में देख लो तो मैं ये हुआ, हर टाइम भाईचारा नहीं चलेगा, हम सोचते सब अपने हैं, सब अपने, कोई अपना नहीं आज के जमाने में। तो अब क्या बाबा और अघोरी साधु संन्यासियों को आगे आना पड़ेगा, अगर श्री पंचदास राम जूना अखाड़ा के साधुओं जब आ जाएंगे तो किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी और न किसी जनता की, और नहीं हो तो कुंभ के मेले में आपने हम लोगों को देखा होगा, हम नागा दिगंबर ही सन्यासी हैं, श्री पंच नाम दुना कर के। अच्छा, नागा सन्यासियों को ऐसे लोगों का क्या संदेश है, हमारे सभी साधु संतों को यह सन्या आदेश और यह सूचना है कि कभी समय आ जाए तो हम लोग जो पहाड़ों में छुपे हैं
यहाँ से निकल के और चन्नी को जगाएंगे। चन्नी जग गई, फिर सृष्टि में कोई नहीं हुआ था, नहीं हो तो इतिहास पढ़ के देख लो, चंडी जागने वाली है, अब चंडी जागेगी। इस देश में हिंदुओं को बचाने के लिए नागा साधु सन्यासी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, चंडी जागेगी, सब साधु चंडी को जागेगी। ठीक है, जय भारत, जय भारत। बिल्कुल, ये तमाम सारे लोग थे, बाबा जी कह रहे थे कि अब चंडी जागेगी, और जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए अब हिंदुओं को आगे आने पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए